नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर आज पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंच रहे हैं। आज देर शाम को हवाई मार्ग से मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर पहुंचेंगे। आज वहां से वो रात्रि विश्राम करेंगे। कल यानी कि 5 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। सीएम नीतीश कुमार 5 जनवरी को बगहा के एक गांव का भ्रमण करेंगे। सीएम इस दौरान ग्रामीणों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे, लोगों की समस्या का समाधान भी करेंगे। उसके बाद बेतिया सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। पश्चिम चंपारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार यात्रा को लेकर ये भव्य तैयारी चल रही है। वाल्मीकि नगर के दरुआबारी गांव की इन तस्वीरों को देखिए। गांव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ऐतिहासिक दलदली पोखरा के सौंदर्यीकरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। गली नली, पक्की सड़क और कुएं की सफाई के साथ ही रंग रोगन चल रहा है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपने यात्रा पर निकलने वाले हैं और यह संभावना जताई जा रही है कि पूर्व की तरह इस बार की यात्रा भी पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा समेत जो वाल्मीकि नगर इलाका है यहीं से शुरू होगी। अभी हम मौजूद हैं संतपुर सोहरिया के दरुआबाड़ी इलाके में। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं युद्ध स्तर पर जिसको वार फुटिंग कहते हैं, रातों दिन दिन रात एक कर मजदूर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, युद्ध स्तर पर यहाँ विकास कार्यों को जो है कि अमली जमा पहनाने में, मूर्त रूप देने में जुटे हुए हैं और लगातार यहाँ कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी को पश्चिम चंपारण से ही यात्रा की शुरुआत करेंगे। यहाँ वो थारू आदिवासी बहुल दलित बस्ती में लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं, लिहाजा स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों तक को सजाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी महादलित बस्ती में घूमने के लिए, भ्रमण के लिए आ रहे हैं, इसी के लेकर तैयारी है और दलदलिया पोखरा पर सौंदर्यीकरण भी वो देखेंगे। अपनी बिहार यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उत्साहित हैं, लिहाजा यात्रा से एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन हम लोग तो आप जानते ही, हम तो जाएंगे ही, तो हमारा सब शुरुआत होगा। रात में चाहते हैं पहुंच जाएं ताकि पूरा दिन ठीक से, तो सब सोच रहे हैं, देखें जैसा मौसम कैसा रहेगा क्या उसी। सरकार बदलने के बाद नीतीश कुमार पहली बार यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा रूट भी करीब करीब तैयार हो चुका है, प्रशासनिक तैयारी भी पूरी है। बगहा से इमरान अजीज के साथ जी मीडिया के लिए नवजीत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए साल में एक बार फिर से अपनी नई यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। पूर्व की भ्रांति वो अपने इस यात्रा की शुरुआत भी पश्चिमी चंपारण जिला से ही करने जा रहे हैं। लिहाजा 5 जनवरी को उनके संभावित आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर अंतिम चरण में चल रही है। लिहाजा जो कुछ भी मिल रहा है उसे आनंद फानंद में लगाकर अधूरे काम पूरे किए जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब सीएम के आगमन को लेकर हो रहे निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य में बुजुर्ग महिला के साथ नाबालिग बच्चों तक से भी काम पूरा कराया जा रहा है। आलम यह है कि घटिया किस्म के 2 नंबर ईंट के टुकड़े और VTR जंगल से बालू खनन कर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। दरअसल आदिवासी बहुल इलाका वाल्मीकि नगर के दरुआ बारी स्थित दलदलिया पोखरा का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही उसके किनारे पेवर ब्लॉक लगाकर पाथवे बनाया जा रहा है और इसके अलावा भी अन्य काम किए जा रहे हैं। साथ ही पोखरा किनारे जिम खाना भी स्थापित किया जा रहा है। मैं इसको हटवा रहे हैं, जब से आए तब से सब हटवा कर फ्रेश ईंटा लगवा रहे हैं। सब 2 नंबर काम, मतलब 2 नंबर ईंटा, 4 नंबर ईंटा लगाया जा रहा है। ईंटा का तो समझ जो है सो वही है, नहीं मिलने के कारण ईंटा आया है ताकि मुख्यमंत्री का समझ के लिए योजना को पूरा किया सके, कर किया जा सके। तो क्या मतलब जो एस्टिमेट बनेगा उसमें 2 नंबर का एस्टिमेट है या फिर ना? उसी में तो एस्टिमेट तो समझ के 2 नंबर का बनता है। देख रेख तो हम ही हैं। रोजगार सेवक है ना? यहाँ के नहीं है, हम दूसरे पंचायत के हैं। तो यहाँ काम आप ही देख रहे हैं ना? हाँ, देख हम ही रहे हैं। देखा जा रहा है घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है, आनन फानन में कार्य किया जा रहा है।
ऐसा तो बात तो नहीं है, टुकड़ा ईंटा पूरा आपके ही स्टाफ बता रहे हैं सब टुकड़ा ईंटा, ऐसा बात नहीं है चिल्ड्रन। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।